भाई या तो ये बहुत ज़्यादा माइलेज देती हैं, और सुना मैंने कि ये आरामदायक बहुत है टाटा से, तो इसलिए भाई महिंद्रा की गाड़ियाँ अभी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो भाई ये भाई इस टाइप से डीजल की पिचकारी लगा लगा के भाई पूरा फाइटर क्लियर किया जाता है, देख रहे हैं डीजल की पिचकारी लगा रहे हैं भाई इसका जमाई, तो उससे भाई एक बार अच्छे से ना तो भाई फूट जाता पाइप अगर फूट गया ना एक बार तो भाई आपके लेने के देने पड़ जाते हैं। ये ऐसा मैंने दो केस देखे भाई यहाँ पे, मैंने आँखों से देखे भाई, फ्रेश डामर है ये, इसमें कुछ भी नहीं है मिक्सिंग, आपको दिख रहा ना, अगर इसमें कुछ मिक्सिंग वगैरह रहती ना तो भाई इसमें दाने दाने से दिखते हैं इसके अंदर, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। गाड़ी अगर 100 से कम टेम्परेचर रहती तो भाई खाली करने में दिक्कत होती, तो इसमें क्या होता है चिमनी के अंदर आग लगा लगा के भाई इसको गर्म किया जाता है, तो ये इसका टेम्परेचर अभी 110 के आसपास आ गया। तो अब भाई दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि डामर प्लांट में भाई डामर कैसे खाली होता है, ये दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों में तो काफ़ी भाई लोगों की भाई कमेंट आ रहे थे मेरे को कि भाई डामर की गाड़ी खाली कैसे होती है, ये हमें ज़रूर दिखाना। तो भाई इसमें ये जो आप सामने गाड़ी देख रहे हैं ना, ये अभी डामर की गाड़ी अभी भी आई है, और अभी भाई इसको खाली करके दिखाएंगे भाई आपको कैसे खाली की जाती है। तो सामने भाई ये जो टैंकर देख रहे हैं ना, ये लगभग 27 टन का बोझर है भाई, इसके अंदर 27 टन बिटुमेन है। तो भाई इसको खाली करने का तरीका क्या है, कैसे खाली की जाती है, वो आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ आपको, तो बने रही इस वीडियो में, चलिए भाई शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ये है अपना हॉट मिक्स प्लांट भाई, ये भी चालू है, देखो कंटिन्यू चल रहा है भाई, इसी के पास भाई ये डामर की टंकियाँ हैं अपनी, और यहीं पे भाई ये खाली होने वाली है गाड़ी, तो मैं दिखाता हूँ भाई नज़दीक से भाई क्या क्या प्रोसेस रहती है भाई इसकी भी। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बिटुमेन का बोझर है, पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ चारों तरफ से भाई, ये 14 टायर गाड़ी है, ये आप देख रहे हैं महिंद्रा की ब्लेजो, आजकल भाई महिंद्रा की गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं ये बिटुमेन के बोझरों में भाई, पता नहीं क्या क्यों चला रहे हैं भाई, या तो ये बहुत ज़्यादा माइलेज देती हैं, और सुना मैंने कि ये आरामदायक बहुत है टाटा से, तो इसलिए भाई महिंद्रा की गाड़ियाँ अभी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो भाई ये आप देख रहे हैं ना, ये है बिटुमेन का बोझर भाई, इसका टेम्परेचर चेक किया जाता है सबसे पहले खाली करने से पहले, इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर भाई ये यहाँ पे ये दिख रहा है ना यहाँ पे चेक हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। तो भाई ये देखो इसका जो टेम्परेचर है ना यहाँ आपको शो हो रहा है लगभग 110-120 के आसपास भाई इसका टेम्परेचर, मतलब 100 के ऊपर अगर आपका टेम्परेचर है ना तो भाई ईजिली खाली हो जाती है। तो भाई इसमें अभी आग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर 120 के आसपास इसमें टेम्परेचर है तो भाई इजीली खाली हो जाएगी, तो इसमें करना कुछ नहीं रहेगा भाई, इसमें क्या होता है यहाँ पे एक फाइटर होता है, फाइटर में भाई आग लगानी पड़ेगी, इसका वाल पूरा एकदम और इसका पाइप पूरा खाली करना पड़ेगा, तब भाई ये खाली होगी। इस गाड़ी में भाई एक चीज़ दिखाओ ना, ये जो पाइप देख रहे ना भाई, ये यहाँ पर भाई ये फाइटर होता है भाई, इस फाइटर में भाई अभी क्या इसको आग लगा के भाई इसको ओपन करेंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली ये यूनिट है ना, ये इसका फाइटर होता है, इसके अंदर भाई सीधे वाल रहता है, ऊपर वाल खोला जाता है, और ये जो फाइटर रहता है, ये जो सामने अगर रॉड, ये गियर बॉक्स से सीधे कनेक्टेड रहती है, ये वहाँ से भाई सीधे इसका PTO वाला लीवर दबाया जाता है, तो उसके थ्रू भाई ये घूमती है शॉपर, तो भाई फाइटर चलता है, फाइटर के बाद फिर ये पाइप सीधा जाएगा ऊपर, वहाँ पर खाली हो जाएगा। अभी भाई पाइप उस्ताद हमारे पाइप बोल रहे हैं, बस एक बार कंफर्म कर लिया जाता है कि पाइप में भाई मटेरियल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाइप में भाई क्या होता है मटेरियल रहता ना तो गीला मटेरियल रहेगा तो जम जाता है, तो उस केस में भाई पाइप को एकदम क्लीन करना पड़ेगा। इसमें देखते हैं अगर इनका पाइप अगर ठोक ठोक के चेक कर लिया जाएगा, बाकी डीजल से पूरा जला के आग लगा के भाई पूरा गीला करके फिर इसमें भाई अनलोडिंग चालू करेंगे। अभी दोस्तों क्या होता है, इसमें जो पाइप है ना इसको पूरा नीचे पटक दिया है, और भाई इसमें फाइटर में अब आग लगाएंगे, और पाइप में भी अगर ज़रूरत पड़ी, क्योंकि पाइप को क्या बजा बजा के देख लिया जाता है पत्थर से, तो जहाँ कहीं ऐसा लगता है भारी भारी, तो उस जगह पर भाई आग लगा के उसको क्लियर करना पड़ता है, डाल में डाल दिया जाएगा तो डामर पूरा बह जाएगा ये। तो अभी भाई इसके फाइटर में हम आग लगा रहे हैं पहले, क्योंकि उसको जो बाल रहता है ना भाई जो ठंडा हो जाता है, उसके अंदर माल जम जाता है, तो उसको कोई पूरा ओपन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देखो, ये यहाँ पे भाई इसके फाइटर में हम आग लगा के रखी है, और ये लगभग 10-15 मिनट भाई इसकी दबा के आग लगा दी है डीजल डाल के, तो जिससे क्या होता है फाइटर के अंदर जितना भी डामर रहेगा ना वो सारा पिघल जाएगा आग लगाने से, तो पिघल जाएगा तो वो फ्री हो जाएगा, तो भाई क्या होता है डामर जैसे ही स्टार्ट करेंगे ऊपर का वाल खोल के फाइटर, तो ईजीली सीधे टंकी के अंदर चला जाएगा। तो भाई अगर आप सबसे बड़ी सावधानी तो भाई यही है, जब आप डामर खाली कर रहे हैं ना तो भाई पहले तो इसका फाइटर आप पूरा क्लीन कर लो, फाइटर पूरा क्लीन होने के बाद फिर पाइप एक बार चेक कर लो पूरा, अगर कहीं पे ऐसा लग रहा है कि आपको ये जाम हो सकता है तो उस जगह पे भाई उसमें भी भाई आग लगा लगा के भाई पूरा चेक करना पड़ेगा। ये भाई इस टाइप से डीजल की पिचकारी लगा लगा के भाई पूरा फाइटर क्लियर किया जाता है, देख रहे हैं डीजल की पिचकारी लगा रहे हैं भाई इसका जमाई, तो उससे भाई एक बार अच्छे से कर लो, ज़्यादा गाड़ी का गर्म है 120 के आसपास टेम्परेचर है भाई, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, केवल भाई एक बार अपना ये अच्छे से गर्म हो जाए ना तो सीधे भाई चालू हो जाएगा अनलोडिंग। आप देख रहे ना यहाँ पे
एक बार इसको घुमा के देख लेते हैं, अभी टाइट है, अभी और आग लगानी पड़ेगी, अभी टाइट है। तो भाई देखो अभी ये पूरा हो गया गरम, अभी गाड़ी स्टार्ट की उस्ताद ने, और देखो यहाँ पे गियर लगाएंगे अभी यहाँ पे, ये देखो चलने लग गया, अभी वाल नहीं खुला, अभी बस ऐसे ही घुमा के देखा है, चौपट चलने लग गई ना, मतलब आपका पंप आपका एकदम नोजल फ्री हो गया, और फ्री होने के बाद भाई फिर एक बार एक और चेक कर लीजिए, क्योंकि इसका पाइप और चेक कर लो, पाइप के अंदर से भाई बढ़िया हवा जाती है और यहाँ पे आएगा धुआं हल्का हल्का, इसका जो पाइप रहता है ना भाई, इसके यहाँ पे बिल्कुल भी ओपन हो जाता है, हल्की हल्की हवा आनी चाहिए भाई यहाँ पे। अभी देखो फाइटर वाइटर ऑन हो गया ना, तो अभी देखो यहाँ से हल्का हल्का डामर वामर अगर इसके अंदर रहेगा तो बिल्कुल आ जाएगा। अरे भाई बिल्कुल इसके अंदर से प्लेन बढ़िया आवाज़ आ रही है, इसका एक्सीलेटर थोड़ा बढ़ाया, और ये देखो तो भाई अभी ये जो टैंक आप देख रहे हैं ना हॉटमिक्स प्लांट के, ये दो टैंक है भाई, ये एक टैंक है भाई 45 टन का, ये दूसरा वाला भी 45 टन का, तो भाई अभी वो वाले टैंक से हमारा काम चालू, तो उसी में भाई हम खाली करने वाले इसको, तो ये भाई अभी पाइप लगा दिया सीधे इसके ऊपर, और भाई चालू करते हैं भाई अनलोडिंग, मैं आपको अनलोडिंग का भी दिखाऊंगा ऊपर चढ़ के कि कैसे भाई डामर टपकता है इसके अंदर। तो एक चीज़ भाई बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, जब भाई उसका वाल खोलेंगे ना तब भाई बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे पाइप तो चेक कर लिया आपने अच्छे से, उसके बाद भी क्या होता है भाई, इसके थोड़ा दूर ही खड़े रहो, क्योंकि मैं भी थोड़ा दूर खड़े हो जाता हूँ, तो ऐसे में क्या होता है अगर कहीं खुदा ना खास्ता भाई थोड़ा बहुत अगर जाम रहा तो भाई फटाका फोड़ देता है ये। इसमें क्या हुआ भाई, लास्ट टाइम एक बार, अभी की बात नहीं है, बहुत 6 महीने पहले की बात है, इस टाइप से भाई खाली कर रहे थे इसको, तो भाई उनका पाइप थोड़ा सा जाम है, मैं उन्हें उनको बोल रहा था भाई पाइप चेक कर लो, पाइप तुम्हारा जाम है, माल नहीं आ रहा, ज़बरदस्ती कर रहे थे, तो उस टाइम भाई ऐसा धमाका हुआ ना यहाँ पे, तो भाई सामने वाले के बिल्कुल हाथ पाँव भाई पूरे जल गए गर्म डामर से। तो जब पाइप से आप अनलोड कर रहे हैं ना भाई टैंक के अंदर, तो थोड़ा दूर खड़े हो जाओ भाई, जैसे वाल खोलते हैं, क्योंकि अगर उसके अंदर एक बार उसके अंदर माल जाना चालू हो गया ना टैंक के अंदर, फिर कोई दिक्कत नहीं, क्यों भाई प्रेशर बनाता है पंप, तो भाई एकदम इतना प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, अगर कहीं पाइप जाम हुआ तो भाई पाइप ही फाड़ देता है ये, भले ही लोहे का पाइप है ये। तो अभी देखो भाई ने उधर से खोला है, जो भाई उस्ताद है वो खोल रहा है ऊपर से वॉल इसका, तो भाई यहाँ से अभी देखना माल आना चालू हो जाएगा। अभी तो देखो खाली करना चालू किया है, ऊपर सामने एक लड़का वहाँ पे खड़ा कर दिया जाता पाइप के मुँह के पास भाई चेक करने के लिए, कन्फर्मेशन के लिए कि माल आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उसी हिसाब से भाई यहाँ पे उस्ताद है वो उसी हिसाब से वॉल खोलते, पहले थोड़ा खोलेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा माल आने लग जाएगा, फिर क्या पाइप एक बार गर्म हो जाता है ना तो फिर धीरे धीरे वाल को बढ़ाया जाता है, तो फुल एकदम वाल नहीं खोला, अगर एकदम फुल वाल खोल दिया तो भाई प्रेशर इतना बना देगा पाइप फाड़ देगा वो, जैसे जैसे पाइप थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद फिर फुल खोल दिया जाता है, फिर भाई टपकने लगता था डामर। तो भाई मैं ऊपर जाके दिखा देता हूँ आपको भाई डामर कैसे खाली होता, दिखाता हूँ मैं आपको नज़दीक से, सामने खाली हो रही गाड़ी और भाई अपन आए अभी टैंक के ऊपर, भाई यहाँ पे देखो सामने पाइप लगा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई नज़दीक से भाई कैसे अंदर बिल्कुल पानी की तरह चलता है भाई, मैं दिखाता हूँ नज़दीक से दोस्तों। ये देखो अभी दिखाता हूँ यहाँ पे पाइप के अंदर से डामर बना, बिल्कुल पानी भाई जब खाली करते हैं ना भाई, दो चीज़ बहुत ध्यान रखी जाती है, एक तो भाई जब इसका फाइटर जब चालू कर, फाइटर चालू करने से पहले पहले अच्छे से भाई इसका फाइटर गर्म कर लो, क्योंकि जो फाइटर रहता है जो पंप बोलते हैं उसको, उसको अगर गर्म नहीं करेंगे तो भाई माल आपका आगे आएगा ही नहीं, तो पहले उसको अच्छे से गर्म कर लो, एकदम फ्री कर लो, नहीं तो भाई गियर वेयर तोड़ देता तो नुकसान हो जाता हो। दूसरी बात जो पाइप रहता है, पाइप को भाई अच्छे से पहले चेक कर लो, लकड़ी से बजा वो पत्थर से बजा बजा के, नहीं अगर कहीं आपको लग रहा है सर जाम है तो भाई उसमें आग लगा के भाई उसको भी क्लियर करो। और भाई तीसरी बात है, जब आप इसका वाल खोलते ना ऊपर से जो वाल रहता है विटामिन का, तो उसको खोलोगे जैसे इसके अंदर माल आए, तो भाई इसके नज़दीक कभी भी खड़े मत रहना, क्योंकि भाई कभी कभी क्या होता है पाइप का थोड़ा बहुत जाम रहता है ना भाई, नहीं समझ में आता अगर आपने गर्म नहीं किया प्रॉपर, और अगर आपने वाल खोल दिया तो भाई अगर ज़्यादा प्रेशर बन गया ना तो भाई फूट जाता पाइप, पाइप अगर फूट गया ना एक बार तो भाई आपके लेने के देने पड़ जाते हैं। ये ऐसा मैंने दो केस देखे भाई यहाँ पे, मैंने आँखों से देखे भाई, डामर ही डामर हो जाता भाई, जल जाता पूरा आदमी। तो ये दो तीन चीज़ें भाई बहुत ध्यान रखना पड़ता भाई, बाकी और कुछ भी नहीं भाई, गाड़ी आपकी इजीली खाली हो जाती है। तो दोस्तों सामने आप देख रहे हैं हमने हमारी जो गाड़ी हमने सुबह लगाई थी वो भाई खाली हो गई है, उसको यहाँ पे खड़ा किया है, और भाई दूसरी गाड़ी लगाई अनलोडिंग के लिए, तो तीन गाड़ी आई है, एक गाड़ी देखो वो सामने खड़ी है, इस टाइप की तीन गाड़ी आई भाई, 29-30 टन वाली गाड़ियाँ हैं। तो भाई अभी वो वाली गाड़ी खाली हो गई ना वो सामने, तो अब भाई क्या हो रहा है भाई, इसको रैम पे लगाया है, आप देख रहे हैं स्लोप में खड़ी है थोड़ी तिरछी, तो भाई इसमें क्या होता है जो लास्ट लास्ट का जो रहता है ना,
ये इस टाइप से स्लोप में खड़ी कर दी जाती है, और लास्ट लास्ट का जो टावर रहता है ना लगभग 100 किलो 150 किलो, तो वो यहाँ पे ऐसा निकलता है। इसमें एक पीछे वॉल दिया जाता है, उस वॉल को खोल देते हैं और धीरे 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 इस टाइप से टपकता रहता है, टपक रहा है टावर। और यहाँ से भाई एक चीज़ और पता चल जाती है आपके डामर की क्वालिटी, अगर डामर में कुछ मिक्स किया हुआ है रबड़ वबड़ के टुकड़े या कुछ पाउडर वगैरह, तो यहाँ पे भाई तली में सारा आइटम वो बैठ जाता है, तो यहाँ पे वो दिख जाता है। ये देखो ये बिल्कुल फ्रेश डामर है, ये इसमें कुछ भी नहीं है मिक्सिंग, आपको दिख रहा ना, अगर इसमें कुछ मिक्सिंग वगैरह रहती ना तो भाई इसमें दाने दाने से दिखते हैं इसके अंदर, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है दोस्तों। इसलिए भी किया जाता है क्योंकि भाई क्या होता है, आपको हिसाब जो आपका रहता है ना भाई, इसका कांटा होगा तो कांटे में क्या होता है आपको प्लस माइनस 70 kg तक चल जाता है, 70 kg प्लस माइनस तक चल जाता है, 70 कहीं 90 100 के आसपास तक चल जाता है। तो भाई उससे ज़्यादा कम रहे, अभी जैसे 2 बैरल निकलेंगे यहाँ पे भर गए, तो 2 बैरल 200 किलो 400 किलो हो जाए, तो भाई इनके ऊपर शॉट डाल दिया तो भाई ड्राइवर के ऊपर डेबिट डल जाता है वहाँ पे, तो फिर इसलिए गाड़ी पूरी खाली करके आनी पड़ती भाई। तो इसलिए भाई ये कर रहे हैं पूरी गाड़ी खाली ऐसा रैंप लगा के। एक गाड़ी दोस्तों ये है, तो भाई इसका टेम्परेचर चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको, इसका कितना टेम्परेचर लगभग होगा मेरे ख्याल से, देख के दिखाता हूँ आपको। ये रहता है इसका 100-110 के आसपास आ गया टेम्परेचर, क्योंकि भाई इसमें क्या है, ये जब आई थी ना तो इसमें लकड़ियाँ लगा के रखी, ये इसकी चिमनी होती ना भाई, ये तरीका भाई, जैसे गाड़ी अगर 100 से कम टेम्परेचर रहती तो भाई खाली करने में दिक्कत होती, तो इसमें क्या होता है चिमनी चिमनी के अंदर आग लगा लगा के भाई इसको गर्म किया जाता है। तो ये इसका टेम्परेचर अभी 110 के आसपास आ गया ना, तो अब भाई ये भी खाली हो जाएगी, और जब तक भाई जब तक ये खाली नहीं हो जाएगी तब तक भाई इसमें लकड़ियाँ ऐसे ही जलती रहेंगी, तो बिना लकड़ी के भाई अगर लकड़ी जलाना बंद कर दिया तो भाई टेम्परेचर डाउन होने लगा। तो भाई जानकारी कैसी लगी भाई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में भाई इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, धन्यवाद।